हेलो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं नूडल। और ये मैंने कुछ वेजिस हैं जो चॉप कर लिए हैं। एक साइड में मैंने पानी बॉईल कर लिया और उसमें 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक का डाल के उसको बॉईल आने तक, फिर उसमें मैंने सारे नूडल्स जो हैं वो डाल दिए। नूडल्स को अच्छे से डिप कर लेना है और 2 सेकेंड के लिए ढकना है, फिर से चेक करेंगे। और ये हमारे हाफ जो है बॉईल हो चुके हैं, इनको ज़्यादा बॉईल नहीं करना। फिर हमने सिंपल वाटर से उसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको एक साइड टोकरी में डाल के रख देंगे ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल सूख जाए। अब दूसरी साइड हमने एक कढ़ाई ली, उसमें ले लिया मैंने देसी घी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो उसको देसी घी में मैंने बनाया। तो उसमें मैंने डाल दिया अदरक और लहसुन का, वो चॉप करके अच्छे से मैंने उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और फिर मैंने इसमें डाल दी सारी वेजिटेबल्स। ये सारी वेजिटेबल्स हमने डाल के इसको अच्छे से करना है कुक, मतलब हाफ कुक करना है, ज़्यादा इनको मतलब हमने पकाना नहीं है। और ये सब कुक होने के बाद हम 2 मिनट के लिए इसको करेंगे खाली, और फिर हम इसमें डाल देंगे सारे हमारे नूडल्स जो हमने बॉईल करके साइड में रखे हुए थे। अब हमने ये डाल दिए नूडल्स और इनको करना है फिर अच्छे से मिक्स, और इनको ऐसे ऊपर उछाल उछाल के ही चलाना है ताकि ये टूटे ना, हमारे नूडल्स जो हैं टूटने नहीं चाहिए। इसको ऊपर उठा उठा के ही बस ऐसे उछाल उछाल के ही इसको मिक्स करना है। फिर मैंने 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस ले ली और 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया विनेगर, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ले लिया सोया सॉस, और फिर लिया नमक, और नमक को डाल दिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने इसको फिर से चलाना शुरू कर दिया। फिर हम इसको पूरी फुल फ्लेम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इनको पका लेंगे। नीचे नहीं लगने चाहिए, बस उसको अच्छे से कड़छी घुमाते रहना है और टूटने भी नहीं देना, इसका भी ख्याल रखना है पूरा। तो इसमें डाल दिया अपना एक सीक्रेट मसाला, और अगर आप जानना चाहते हो वो सीक्रेट मसाला क्या है तो आप मेरे को कमेंट करें। ये नूडल्स बनके हमारे रेडी हो गए थे और इतने टेस्टी नूडल्स बने थे कि बच्चों को बहुत पसंद आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।